हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। तो ये ले लिया है मैंने एक परात ले लिया है प्लेट, और आपको दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने एक कटोरी लिया है मैंने ये मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो एक कटोरी मैदा, और ये लिया है मैंने हाफ बाउल सूजी लिया है बारीक वाला, तो हाफ कटोरा लिया है मैंने ये सिमोलिना सूजी, हाफ बाउल लिया है मैंने शुगर पाउडर बूरा लिया है, और एक बड़ा स्पून लिया है मैंने ये शीशम सफ़ेद तिल लिए है मैंने ये, और 5-6 ली है मैंने हरा इलायची, जिसको मैंने छीलने के बाद में बारीक पीस लिया है, तो हरा इलायची है ये। और इस सब को पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और आज मैं छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, उनको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपके घर में छोटा सा ही बच्चा है 3-4 साल का, तो वो भी इसको बहुत ही चाव से खाने वाला है। तो मैंने सबको मिक्स कर लिया है, और इसके बाद में मैंने लिया है ये मेल्ट घी, पिघला हुआ घी है ये लिया है मैंने, हाफ बाउल से थोड़ा कम है, तो मैं घी इसमें डाल लेती हूँ। और इस सबको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। तो इस सब को मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स, आपको दिखा देती हूँ मुट्ठी बांध के। तो आटा मेरा बनने लगा है, तो मैं अब, और ये लिया है मैंने नॉर्मल पानी है, तो मैं पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल डाल के मैं इसका एक टाइट डो रेडी करूंगी। तो मैं इसको पहले मार लेती हूँ आटे की फॉर्म में, और मैं इसको टाइटली ही थोड़ा मारूंगी। तो मैंने इसका बना लिया है एक टाइट डो, जैसे कि पूड़ी की फॉर्म में मारा है मैंने, जैसे कि पूड़ियाँ होती हैं। तो देखिए ना, ये ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो मैं इसे एकदम चिकना कर लूँगी, और इसको मैं 5 मिनट के लिए अब रख देती हूँ रेस्ट पे, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए और थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाए। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ अपना आटा, दिखाती हूँ आपको ये एकदम सेट हो गया है। और मैं इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। तो मैं इस तरह से इसे और थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ, और इसको करने के बाद मैं दिखाती हूँ, मैं इसके अब छोटे छोटे मैं से लोई बना लेती हूँ, इस तरह के मैं इसके लोइयाँ बना लूँगी। तो ये मैंने 5 लोइयाँ बनाई हैं, और अब मैं इनको ऐसे इनकी लोइयाँ बना लेती हूँ चिकनी वाली, इस तरह से। तो मैं इनको ऐसे बना लेती हूँ सबको इस तरह से मैंने कोई चिकने ऐसे बॉल बना लेती हूँ। तो मैंने इन सब के बना लिए हैं चिकने बॉल, आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। और ये मैंने बॉल बना लिए हैं, और इनको हम बेलते हैं। तो मैं एक बॉल लूँगी और मैं इसे बेल लेती हूँ पहले। ओके, तो मैं इसे बेल लेती हूँ, जितना आप इसका मोटा पतला साइज रखना चाहें उसी तरह से आप इसको बेल लें। तो मैं इसको बेल लेती हूँ, ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है आइटम, जब भी मैं अपने घर में बनाती हूँ तो बच्चे बहुत ही चाव से इसे खाते हैं, और इसमें बहुत ही खुश रहते हैं इसको खा के। तो मैं इसको पहले बेल लेती हूँ थोड़ा सा इस तरह से, और इसको बेलने के बाद में मैंने लिया है ये एक छोटी सी ये डिब्बी है, उसका मैं ढक्कन लिया है इस साइज का, आप किसी भी साइज का ले सकते हो। तो मैं इससे इसके गोल शेप में इसके ऐसे काट लेती हूँ इस तरह से। तो मैंने ये काट ली है साइज के, तो मैं इसका ओवर वाला जो हिस्सा है वो इसे निकाल देती हूँ आराम से इस तरह से। मैं इसका ओवर वाला हिस्सा है वो इसे निकाल देती हूँ इस तरह से। तो ये हिस्सा मैंने निकाल दिया है, और मेरे इस तरह के ये स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। तो मैं इनको ऐसे सारे इस तरह से बना के इसको इस एक प्लेट पर रख लेती हूँ इस तरह से, और मैं इस तरह से बेलते हुए इसको किसी भी शेप में जिसमें आप चाहें इस तरह से मैं रेडी कर लेती हूँ पहले। मैंने अपने सारे ये बेल के कर लिए हैं रेडी, और मेरे बिल्कुल ये परफेक्टली बिल के रेडी हो चुके हैं। तो इधर देख लेते हैं, और उधर मैंने गैस अपनी चालू कर दी है, उस पर कढ़ाई रख के उस पर ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने देते हैं पहले, और एक आटे का छोटा सा बॉल बना के चेक करते हैं अपना आटा कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ऊपर आने लगा है बबल्स छोड़ के,
देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा ऑयल इस तरह का ही हमको गरम चाहिए, ऊपर आ चुका है। तो ऑयल मेरा हो गया है गरम, और मैं अब इसमें डालना शुरू करती हूँ अपने ये मीठे वाले स्नैक्स। तो आप अपना मीडियम फ्लेम ही रखिए, ज़्यादा हाई मत रखिए वरना ये जल जाएंगे, क्योंकि इसमें शुगर पाउडर पड़ा है तो उसके थोड़ी चाशनी टाइप में ये थोड़ा चिपक जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे, आप उसको मीडियम फ्लेम पर ही डाल के इनको सेकिए। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इनको कुरकुरा होने तक तलिए, और फ्लेम अपना आप मीडियम ही रखिए, हाई नहीं रखनी है वरना ये जल जाएंगे बहुत जल्दी। तो इस तरह से मैं इनको थोड़ा सा क्रिस्पी करती हूँ अभी। तो 5-6 मिनट हो गए हैं और मैंने इनको मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम पर ही सेका है, तो मेरे ये गोल्डन हो गए हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ पहले। तो इस तरह से मैंने अपने ये पलट लिए हैं एक प्लेट में। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, मेरे जो बाकी बचे थे उनको भी मैंने अच्छे से कुरकुरा होने तक इनको क्रिस्पी कर लिया है। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो मैंने इनको पलट लिया है एक प्लेट में। तो मैंने अपने सारे स्नैक्स बना के रेडी कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही सुनहरा कलर है। और आप इस रेसिपी को जरूर अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिए। बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं, बिस्किट से भी ज़्यादा चाव से खाते हैं। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बच्चों के लिए। आप बिस्किट खिलाने के बजाय आप घर पर इनको बना के रख लीजिए, ठंडा होने पर एक एयर टाइट कंटेनर में को बंद कर दीजिए। बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चे इनको बहुत चाव से खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर जरूर कर दें, और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट फूले फूले बने हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।